गौ माता का पैर जब भी एक्सीडेंट या किसी कारणवश काटना पड़ता है तो मानो उनके लिए वो डेथ वारंट साबित हो जाता है। वो जो व्यथा है वो हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। पैर कटने की वजह से उनका पूरा जीवन उनको एक ही जगह पे व्यतीत करना पड़ता है। इसी वजह से उनके शरीर में भयानक घाव हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। जब गोमाता का पैर कट जाता है तब वो बार बार उठने की कोशिश करती है, वो उठ नहीं पाती है। जब भी 300-400 किलो का वजन जमीन पे गिर जाता है तब उनकी जो चीख आंसू हमें अंदर से झंझोर देता है। इस समस्या का हमारे पास आज तक कोई समाधान नहीं था, लेकिन आज मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से गौ माता को प्रोस्थेटिक लैम्प लगा के एक नई जिंदगी हम दे सकते हैं। हमने पूरे भारत में बहुत सारे गौशालाओं में ऐसी गौ माता को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे इनको प्रोस्थेटिक लिम्स की ज़रूरत है। हमारा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित गौ माता को प्रोस्थेटिक लिम्ब लगाकर एक नई जिंदगी दे। गौ माता की ये समस्या हमारे एक छोटे से प्रयास से दूर हो सकती है। मेरी विनंती है कि आप सब मिलके इस पुण्य वाले काम में हमारा सहयोग कीजिए और गाय को बचाने में हमारी मदद कीजिए।